नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो है छोटा सा वीडियो है एक्ने के बारे में, क्योंकि ये प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा तादाद में आज की तारीख में पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सफ़र कर रहा है, खासकर टीनएजर्स और कम उम्र के लड़के और लड़कियाँ। प्लस मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कई वीडियो के अंदर लोगों ने आके इसकी डिमांड पहले बहुत पहले भी करी थी कि आप एक्ने के ऊपर एक वीडियो बनाइए। सो हियर इट इज़, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्ने इन डिटेल। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम लोग जो है ज़रा अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अब हम पहले समझेंगे कि वॉट इज़ एक्ने, ठीक है ना, कि एक्ने होता क्या है। अब एक्ने को समझने के लिए पहले तो हम आते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्ने। एक्ने इज द कॉमन स्किन कंडीशन दैट हैपन्स व्हेन द हेयर फॉलिकल्स जो चेहरे के ऊपर बाल होते हैं उनकी रूट को बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, अंडर द स्किन बिकम क्लॉग्ड। क्लॉग्ड मतलब ब्लॉक हो जाती है। किससे? ऑयल एंड डेड स्किन सेल प्लग द पोर्स, मतलब पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। एंड आउटब्रेक्स ऑफ लीसन, और इसकी वजह से कुछ लीसन्स मतलब स्किन इरप्शंस आते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्ने, ठीक है ना। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ इमेजेस के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आप बहुत भली भांति आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे अब देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये एपिडर्मिस है, मतलब हमारी स्किन, ये हमारा हेयर है, ये हमारा हेयर फॉलिकल है। तो जो हेयर फॉलिकल्स का जो रूट होता है, जो हेयर फॉलिकल मतलब जहाँ से बाल स्किन से बाहर आ रहा है, वही पोर, जो वो जो छेद है, उसी छेद से हमारा पसीना भी बाहर आता है जो कि स्वेट ग्लैंड बनाती हैं, और उसी छेद से हमारा सीबम भी बाहर आता है जो कि सीबेशियस ग्लैंड बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। मेरी बात समझिए कि जो पोर होता है, एक पोर होता है स्किन के ऊपर, उस पोर से तीन प्रकार की चीज़ें निकलती है। पहला तो बाल खुद निकल रहा है वहाँ से, क्योंकि उसकी जड़ नीचे हेयर फॉलिकल है और हेयर फॉलिकल से हेयर की ग्रोथ हो रही है। वो हेयर जहाँ से आ रहा है वहीं से दो चीज़ें और आती है। जब हमको पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड है वो उसी पोर से पसीने को बाहर फेंकती है, और जो सीबेशियस ग्लैंड होती हैं जिनको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, जो कि ऑयल या सीबम सिक्रीट करती हैं, वो भी इसी छेद से हमारे सीबम को बाहर की तरफ ड्रेन करती हैं। उसका जो है फिजियोलॉजिकली कुछ काम होता है, ठीक है ना। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे बनता है, ये एपिडर्मिस है। तो ये जो हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल का जो मुँह है वो प्लग्ड हो गया। प्लग्ड फॉलिकल मतलब प्लग्ड मतलब ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल की बात कर रहे हैं। अब अंदर से तो भाई सीबम तो सिक्रीट हो रहा है, ये सीबेशियस ग्लैंड है, ये सीबम लगातार बना रही है, इसको थोड़ी पता कि भाई ऊपर से छेद बंद है। तो जो वो सीबम बनाती रहती है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ शेड कैरेटिन एंड सीबम का इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि ऊपर से छेद बंद है तो नीचे वो इकट्ठा होने लगता है। जब वो इकट्ठा होता है तो यहाँ पे इसके बहुत समय तक इकट्ठा रहने के कारण बैक्टीरियल प्लोरीफोरेशन होता है, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है और सीबेशियस ग्लैंड का, और सीबेशियस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीटेड सिक्रीशन का। और जब ये इन्फ्लेमेशन मार्क्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ये कहलाता है एक्ने। अब जो एक्ने है, एज फार एज द एक्ने इज कंसर्नड, तो एक्ने के कई एग्जाम्पल्स हैं, आप ये देखिए, है ना, बहुत छोटे से बहुत बड़े और बहुत विभत्स हो सकते हैं एक्ने। एक्ने का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक्ने का रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये हो गया, हमने देखा एक्ने क्या है। कॉज, देखिए कॉज के बारे में अगर हम बात करें तो मेन जो इसका कॉज बताया गया है एलोपैथिक मतलब मॉडर्न मेडिसिन में, वो हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। होता क्या है कि जब भी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मतलब तरुणाई की अवस्था की बात हो रही है, कि जब भी प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के दौरान होता क्या है, एंड्रोजन हार्मोन्स की तादाद ज़्यादा होती है। एंड्रोजन करके हार्मोनल सिस्टम हार्मोन्स होते हैं ब्लड में, जिसको एंड्रोजन्स बोलते हैं, वो प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी मतलब किशोर अवस्था से
युवा अवस्था की तरफ जब बच्चे जाते हैं, या फिर ये बोल दें बाल अवस्था से किशोर अवस्था की तरफ जाते हैं, इसको कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में इन बच्चे बच्चियों के ब्लड के अंदर वो हार्मोन एंड्रोजेंस ज़्यादा होते हैं, और एंड्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि सिबेशियस ग्लैंड की संख्या बढ़ जाती है स्किन के ऊपर, समझ रहे हैं आप। एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव में सिबेशियस ग्लैंड की संख्या बढ़ जाती है, और उसी वजह से अब ज़्यादा सिबेशियस ग्लैंड होगी तो उनके ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा होगा, और चांसेस वो ज़्यादा होगा तो एक्ने होंगे, ऑब्वियस बात है, मतलब एक्ने का भी चांस बढ़ जाएगा। और ये जो दो हार्मोनल इम्बैलेंस के, जो हार्मोनल जो चेंज के जो दो एग्जांपल हैं वो हैं, एक प्यूबर्टी और दूसरा है प्रेगनेंसी। दूसरा, सर्टेन मेडिकेशन सच एज द बर्थ कंट्रोल पिल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आजकल स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत आसानी से डॉक्टर्स एलोपैथी में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कंट्रासेप्टिव पिल, इनके यूज़ के कारण भी ये होते हैं। डाइट हाई इन रिफाइंड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट में जो रिच डाइट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आज की नई पीढ़ी के अंदर ये होना, क्योंकि बच्चों को आजकल यही पसंद आ रहा है खाने पीने में। उनको दाल चावल सब्जी रोटी पसंद नहीं, उनको बर्गर पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, फ्रेंच फ्राइज पसंद है, चिप्स पसंद है, और यही कारण है कि आजकल के पीढ़ी के अंदर एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरा, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, फोर्थ वन, जैसे हैविंग पेरेंट्स हु हैड एक्ने, अगर पेरेंट्स के अंदर एक्ने की हिस्ट्री है तो ये बात पक्की है कि जो सब सिबलिंग्स होंगे, जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनके अंदर भी एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्ने, व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्ने। तो देखिए, एक्ने के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये जो एक स्लाइड आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि एक्ने के टाइप का। एक होते हैं ब्लैक हेड, सबने सुने हैं ब्लैक हेड, एक होते हैं वाइट हेड, एक होते हैं पस्टूल्स, पेप्यूल, पस्टूल, नोड्यूल एंड सिस्ट। ये छह प्रकार का होता है एक्ने का, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। टाइनी ब्लैक स्पॉट ऑन द स्किन, मतलब जब हेयर फॉलिकल एकदम जस्ट ब्लॉक हुआ ही है अभी अभी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको जो जो ब्लॉक है, जिस मटेरियल से वो ब्लॉक है, वो काला काला आपको साफ दिखेगा। इसकी ब्लैक हेड्स की निशानी है कि इनको आप स्क्वीज करोगे ना तो ये बाहर निकल जाते हैं, ब्लैक हेड निकल आते हैं, जैसे ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप्स वगैरह आती है ना, तो ये ब्लैक हेड्स जो जिसको हो रहे हैं, दे आर द इनिशियल साइन दैट इन द फ्यूचर ही इज गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्ने। दूसरा, वाइट हेड्स, स्मॉल बम्प स्टिकिंग आउट ऑफ यूअर स्किन। ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब ये देखो ब्लैक हेड और वाइट हेड के, ब्लैक हेड और वाइट हेड के आपको उसके अंदर भी फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल वाइट कलर के बम्प जो कि स्किन से उठते हैं उसको हम कहते हैं वाइट हेड। स्मॉल रेड बम्प ऑन यूअर स्किन, इसको हम कहते हैं पेप्यूल, ये रेड कलर का होगा, ठीक है ना। पस्चूल, पस्चूल पिंपल विथ अ वाइट कलर्ड हेड दैट कंटेंड पस, इसको देखोगे ना तो इसको तुरंत देखते से भेजे में आएगा कि आइला इसके अंदर तो पस है, इसको फोड़ा जा सकता है, इससे पस ड्रेन आउट करा जाता है। तो सच टाइप ऑफ इरप्शन इज नोन एज द पेस्टूल्स, ठीक है। एक होता है नोड्यूल, मतलब इन्फ्लेम्ड लार्ज बम्प दैट फील फर्म टू टच, वो अपने को हार्ड दिखेगा, और इसका और सुपरलेटिव डिग्री का रूप, इससे और खतरनाक वाला होगा सिस्ट, लार्ज पेनफुल पस फील्ड बम्प, सिस्ट आर सॉफ्टर देन नोड्यूल। ये जो सिस्ट होता है ना, ये पस फील्ड होगा और ये नोड्यूल से सॉफ्टर होगा, नोड्यूल हार्ड होगा, सिस्ट थोड़ा सा सॉफ्टर होगा। तो दोस्तों, ये रही बात अपन ने करी कि हमको एक्ने के बारे में कितनी सारी बातें आज पता चली, कि एक्ने क्या होता है, एक्ने क्यों होता है, कितने प्रकार के एक्ने हैं। एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई भी विशेष ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण बताया जाता है हार्मोन्स, तो हार्मोन्स को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट एलोपैथी में करते हैं कि कुछ ऐसी क्रीमें लगवाते हैं जिसके अंदर प्रोबेबली स्टेरॉइड्स या कुछ एंटीबायोटिक्स मिली रहती हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने का काम करें, अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। अब सीधे सीधे आते हैं वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। होम्योपैथी के अंदर ये बड़े आसानी से सही हो जाते हैं, बहुत ही ईजीली सही हो जाते हैं, और जो तीन मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ इसके लिए, उसमें से दो होम्योपैथिक मेडिसिन है और एक बायोकेमिक मेडिसिन है। ये तीनों मेडिसिन का एक साथ चार चार गोली दिन भर में तीन बार आप लोगों को प्रयोग करना है। अगर आपको ये खुद है, यदि आपके ये पेशेंट्स को हैं, तो इसका कोई भी उपयोग कर सकता है, इसको कोई भी हानि नहीं है इन मेडिसिन की, फ़ायदा ही होगा। फर्स्ट मेडिसिन कॉस्टिकम 30,
चार चार गोली दिन भर में 3 बार। द सेकंड मेडिसिन यूजीनिया जम्बोस, ये क्लिनिकल दवा है एकदम, है ना, बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता होगा इसका। तो पहली कॉस्टिकम 30, दूसरी यूजीनिया जम्बोस 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। एंड द थर्ड मेडिसिन इज कैल्केरिया सल्फ 6X, बायोकेमिक वाली, बायोकेमिक की कैल्केरिया सल्फ 6X, इसकी भी आपको चार चार गोली लेना है दिन भर में 3 बार। और मुझे उम्मीद है ये प्रिस्क्रिप्शन कुछ समय लेने के बाद, डिपेंड करता है कितना पुराना रोग है, अगर कुछ साल पुराना है तो कुछ महीने खाना है, कुछ महीने पुराना है तब भी 15-20 दिन खाना है, आप ये दवाएं लेंगे और आपको वाकई में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अपने, अगर आप पेशेंट खुद हैं तो, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट्स के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।